अर्थालंकार नामी ग्रंथ लिखे
श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जिया की गुरबाणी का बूझ ज्ञान रखता है। तो जेडे बचन आप पढ़े ने लख खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे ये जेड़ा जे शब्द आया वो बाबत लिखते हैं कि जिथे जे शब्द आ जाए वो सुभावना अलंकार होता मन लो हो सकता महाराज आते भी जे सतगुर नदर करे जे साढ़े उत्ते साढ़े सच्चे गुरु धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी अपनी सवली नज़र कर देंगे तो उस नज़र के सदका साढ़े घर में लखां खुशियां ते साड़ी जिंदगी में लखां बादशाहियां जिहड़ियां वो सानू प्राप्त हो सकदियां जिहड़ियां लखां खुशियां ने। पहली खुशी है गृहस्थी की गृहस्थी होना। गृहस्थी का मतलब है जिहड़ा अपने घर परिवार वाला होवे घर का अपना होना परिवार दे विच जीआं दा होना सारे जीआं दे जिउंदे होना ये लखां खुशियां विचों पहली खुशी है गृहस्थी। फिर घर दे विच जे रिजक होना औलाद का होना औलाद का होना खुशी है औलाद नूं दिसदा होवे खुशी है औलाद रोशन दिमाग होवे भी खुशी है औलाद नूं सुणदा होवे औलाद जिहड़ी है काम कार दे विच हुनरमंद होवे खुशियां ने वख वखरी। तो इस तरह करदिआं करदिआं लखां खुशियां साडे घर दे विच सानूं प्राप्त हो सकदियां ने। लख खुशियां पातशाहियां इस तरह ही लखां पातशाहियां तो भाव है लखां सरदारियां। पहली जिहड़ी खुशी है सब तो श्रोमणी होए आ कि घर का अपना होना इस तरह सरदारी विचों पातशाही विचों पहली पातशाही ये है कि जिसनों बख्शे सत सलाहा नानक पातशाही पातशाह। जिहड़ा मनुख जीवन दे अंदर काम कार करदिआं करदिआं नाल परमेशर की इबादत करदा है परमेशर दे प्राण हो के जीवन बतीत करदा है महाराज कहण लगे उहदी पहली पातशाही इत्थों बाद दूजी पातशाही फिर लखां पातशाहियां जिहड़ियां सरदारी दे रूप अंदर वो मालक बख्शिश करदा है। तो धन गुरु नानक देव महाराज जीआं ने साढ़े कलयुग जीवन ते नदर अनायत की है नदर करे तो सिमरिया जाए जाकी नदर सदा सुख होए। ये धन श्री गुरु नानक देव महाराज जिया ने सवली नज़र की है कि आप उन्होंने प्रकाश दिहाड़ा मना रहे हैं चा मिला मन करके वचना करके कर्मा करके मना रहे हो तन करके मन करके धन करके सेवावां कर रहे हैं। तो गुरु नानक देव महाराज जी ने सवली नज़र की बदले लखां खुशियां लखां पातशाहियां जीआं बहुतियां रब ने सानू खुशियां दित्तियां होईआं बहुतियां पातशाहियां परमेशर ने दित्तियां होईआं। जे भाई कोई दो चार की कमी रह गई हुई तो आने वाले दिनों में मालक ने वह भी दे के कृतार्थ करना को सतनाम श्री हवा भागा वाले जो परसों रोज तो सतगुरां की पाक पवित्र बाणी का जाप कथन करके सरवण करके ला के प्राप्त कर रहे हो मेरी विचार का विषय आ धन धन पिता धन धन कुल धन धन सुजरणी जिन गुरु जनिया मारे। गुरु नानक देव महाराज जी के अवतार के पिछे तीन पात्र ने
पहला पात्र आ गुरु नानक देव महाराज के खानदान का, दूजा पात्र आ धन गुरु नानक देव महाराज जिया दे पिता का, तीजा पात्र आ माता का। तिना का जिक्र किया महाराज ने, धन धन पिता, धन धन कुल, धन धन सोजननी जिन गुरु जनिया माए। सतयुग तो बाद दुआपर लगना सी पर त्रेता लग गया। त्रेते दे विच अवतार होया भगवान श्री रामचंद्र जी। बाणी इस गल नू कथन करती है, दस अवतारी राम राजा आया। विष्णु जिया के दस अवतारा विचों एक अवतार ने रामचंद्र जी आए, ते चौदह कला अवतार उन्होंने चौदह कलावां दे के परमेश्वर ने दुनिया से भेजे। रामचंद्र जिया के दो पुत्र लव ते कुश, जदों इन्हां कोल राज आया ना अपना राम जिया के शरीर त्यागन तो बाद, तां लभू ने अपने नाम के उत्ते लाहौर नामी शहर वसाया जो अजकल पाकिस्तान की राजधानी है। पाकिस्तान की राजधानी है ते खालसे दे सरकारे खालसा का पहला तख्त है लाहौर। एक तो साफ 1656 नूं खालसे ने उत्ते अपना राज जिहड़ा उह खालसे राज का झंडा चलाउणा कीता, ते राज जिहड़ा पाप कीतियां मिलदा उह राज कदे चंगा नहीं हो सकदा। शेरे पंजाब दे राज दीआं गल्लां जिहड़ियां अज तक सारी दुनिया विच हुंदियां, क्यों हुंदियां तुहानूं पता। जिस दिन शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तख्त ते सज्जे सी ना, पहला नंबर उस राज समागम दे विच श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जीआं दा श्री सहज पाठां दे भोग पाए सन, क्योंकि उहदी निशानदेही होई सी उह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी अगवाई विच होई सी। नंबर दो, गुरु नानक देव महाराज दी अंश वंश विचों सन बाबा साहिब सिंह जी बेदी, जिहड़े उन्ने रहिंदे सी हिमाचल दे अंदर, ते महाराजा रणजीत सिंह दे राज तिलक करन वास्ते उन्ने तो चल के आए सी जपजी साहिब दे पाठां दा जाप करदे करदे, ते आ के उन्हां ने पहला श्री सहज पाठ प्रकाश कीते, आप बाणी पढ़ी। जदों रणजीत सिंह नूं महाराज दा लकब दिता गया, उदों अपने घर कमलां नाल इक साधु महात्मा ने गुरु नानक साहिब दी अंश वंश विचों राजा रणजीत सिंह दे नां नाल शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह दा लकब दिता गया, ते सरकारे खालसा दा महाराजा बना के तिलक दिता गया, गद्दी नशीन कीता गया। महाराजा रणजीत सिंह दे राज दीआं गल्लां सब दुनिया विच हुंदियां ने, उहदे दो कारण ने। पहला कारण है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दी अगवाई विच होणा। नंबर दो, किसे साधु महात्मा ने, वी गुरु नानक साहिब दी अंश वंश विचों किसे ने तिलक दी रस्म अदा करनी। तो उस लाहौर शहर का वसेवा जिहड़ा रामचंद्र दे पुत्र ने करवाया। नंबर दो, ते दूजे पुत्र कुशु दे नाम ते उहने अपने नाम ते कसैर सहर वसाया दा नाम रखिया कसूर। पीढ़ी दर पीढ़ी चलदे चलदे खानदान अगे आए। कुशु दी खानदान विचों एक धर्मात्मा ग्रिस्ती होया दा नाम आ अमृत राय। अमृत राय जदों जवान होया ना, ते नूं मालक ने कृपा कीती दे अंदरों अंदरों फुरना होया, नानक गुरमुख जाणीए जां को आप करे प्रगास।
तो इन्हें वेदा शास्त्रा की विद्या पढ़ने वास्ते मन बनाया कि आप साधुओं की संगत करिया करिए, निंदकां चुगलां दुष्टा की संगत हक बंदा कर लेंदा, साधु की संगत बड़ी मुश्किल होंगी। तो यह साधुओं की संगत करते करते मन के जाग लग गई, महात्मा को इन्हें वेदा शास्त्रा की विद्या धारण कर ली, तो नगरों नगरी जा के वेदा शास्त्रा की गुर विचार की कथा करता, तो इन सारे जने वेदी कह लग पे भी वेदा का प्रमाण दे के, बिना प्रमाण ना सिद्धे ते वेदा का प्रमाण दे के लोगों नाम बाणी जोड़ता। वेदा में नाम उत्तम सो सुना ना ही फिर है ज्यों बेतालिया, वो वेदा का उपदेश दृढ़ कराते कराते लोग जड़े ने वेदी कह लग पे। जदों ये कथा करया करता सी, विख्यान करया करता सी, ते स्रोतागण जिहड़े सन बड़ी रीझ नाल शब्द दी विचार सुनदे ते मन भिज जांदा। एक दिन अचनचेत राजा विजय राय की चौदहवीं पीढ़ी का उत्तराधिकारी मुकल राय ये दीवान में आ बैठा, उन्हें विचार सुनी तो उसके मन के उत्ते बड़ा गहरा असर होया। मुगल राय ने उस दिन ही मन बना लिया भी मेरे को भी पिंडां दी जमीन है, तो सारी की सारी दान में दे के मैं ते परमेश्वर की बंदगी करनी, जिदा जिक्र करगी तर पातशाह श्री विचित्र नाटक की बाणी अंदर करते ने, 20 गांव तिन के रह गए तिन मो करत किरसानी पए, 20 पिंडां दी जगीर दान विच दे के मुकल राय परमेश्वर दे नाम ध्यान विच अपना चित जोड़ बैठा। जिन्हां नूं 20 पिंडां दी जगीर मिली सी अमृत राय बेदी नूं, इहदे घर 3 पुत्र पैदा होए, सब तो वड्डा अपोज तू छोटा नरोत्तम, तीजे नंबर ते सल। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की बाणी गुण भोग पै ने, भट्ट साहबाना की बाणी है जिहड़ी, दे विच इक सल नामी भट्ट भी है। तो वह तिने पुत्र जिहड़े ने वो जवान हुंदे गए, जिहड़ा अपोज जी बेदी सी ना, जदों ये जवान होया तो आनंद कार्ज होए, मालक ने कृपा की भी ये घर पुत्र पैदा होया, तो नाम रखा गया नाथ जी बेदी। नाथ जी बेदी जवान होए, आनंद कार्ज होए, ये घर बच्चे ने जन्म लिया, तो नाम रखा गया शंभू जी बेदी। शंभू जी बेदी जवान होए, आनंद कार्ज होए, दे घर मालक ने रहमत की, पुत्र पैदा होया, उहदा नाम रखा गया, मालक ने कुदरत ऐसी की भी एक पुत्र पैदा होंदा एक पीढ़ी च, ते इको ही बंदगी वाला, उहदा नाम रखा गया प्रजापत बेदी। फिर अगला पुत्र पैदा होया, पीढ़ी चली, उहदा नाम रखा गया नारायण जी बेदी। फिर नारायण के घर औलाद पैदा हुई, पुत्र पैदा होया, उहदा नाम रखा गया संपात जी बेदी। संपात बेदी जवान होए, आनंद कार्ज होए, बच्चे ने जन्म लिया, उहदा नाम रखा गया राम नारायण बेदी। ते राम नारायण बेदी के घर पुत्र पैदा होया शिव राम बेदी। जिहड़ा शिव राम बेदी सी ना, ये परमेश्वर की बंदगी भी बड़ी करता सी, ते इहनूं जमीन का बड़ा मोटा इलम सी, मरले तो लैके मरबे तक की जमीन की मिनती का, मरले मरले का इहनूं बड़ा मोटा ज्ञान सी। तां ये चलते चलाते गोडे नगर में आके रह लग पाए, सारा दिन परमेश्वर का नाम जपता, आए गए रोटी पानी खवालदा, मंजा बिस्तरा देंदा,
रब रूप जानता जी इन्नी भावना जी टिकी भी रब के बंदे तुरे फिरते तो सेवा करते करते सिमरन करते करते कोई आता जी मेरी जमीन की विनती करनी है तो चलो करमा मार के दस दिता भी तेरी जमीन इन्नी घट है इन्नी तेरी वध है तो लोग एतबार करते हैं जिहड़ी निशानी वह ला आता है उत्ते लोग त्याग करते यह है गुरबाणी के पक्ष मुताबक धन धन पिता धन धन कुल कुल कहिए खानदान ते पिता कहिए पिता पुरखी सीना बसीना जिन्हों आप कुर्सी नामा कहने ये सारे का सारा हवाला जो मैं तुहाडे नाल सांझा कीता है ये तवा री गुरु खालसा के करता ज्ञानी ज्ञान सिंह जिया ने भाग नंबर एक विच दर्ज किया हो शिव राम बेदी के घर मालक ने जो जवान होया ना तो ये घर एक स्त्री आई का नाँ है बीबी बनारसी बड़ी भाग वाली बड़ी नेक स्त्री तो बीबी बनारसी की कुखों पहले बच्चे ने जन्म लिया का नाँ रख्या गया कल्याण चंद बेदी फिर समा पा के होर बच्चे ने जन्म लिया उहदा नाँ रख्या गया लाल चंद बेदी ये तो धन गुरु नानक देव महाराज जिया की सीना वसीना अंश के नाम ने जिन्हें को ज्ञानी ज्ञान सिंह जिया ने दर्ज किए जदों लाल कल्याण चंद बेदी जवान होया ना तो फिर मालक ने रहमत की ये रंग कारज होए साड़ी सत्कार योग माता माता तृप्ता जिया के नाल सतनाम श्री वाहे जिस माता तृप्ता ने सानू नानक निरंकारी जिहड़े आ जन्म के ते सानू दे चरणा नाल जुड़दा सुभाग प्राप्त होया धन धन पिता धन धन कुल धन धन सो जननी जिन गुरु जनिया माए दुनिया दियां मावां जिहड़ियां ने बच्चियां नूं जन्म देंदियां ने पुत्रां नूं जन्म देंदियां ने पर धन आ माता तृप्ता जी जिन्हां ने निरंकार नूं जन्म दिता जिन गुरु जनिया माए जिस माँ ने गुरु नूं जन्म दिता है तो गुरु नानक देव महाराज जिया के अवतार वेले इतिहास के पात्र वक्खो वक्खरे ने एक पात्र तो गुरु नानक देव महाराज के अपने खानदान का माता पिता का दूजा पात्र उस वेले गुरु नानक साहब के जीवन अंदर समाजिक पक्ष जिहड़ा समाज के विच की कुछ हो रहा है तीजा पक्ष है राजसी पक्ष राज दरबार विच की हो रहा है चौथा सी धार्मिक पक्ष धार्मिक आगू की कर रहे सन तो एक पक्ष आपां विचार बैठे हाँ गुरु नानक देव महाराज के खानदान का माता पिता का हुण जिहड़ा समाजिक पक्ष है उहदे की बन समाजिक तौर ते संसारी जीव जिहड़े ने चक्की विच पिसदे पए आ जुलम बड़ा जोरां ते उस वेले जिहड़ी जमाने की दशा सी कोई भी मनुख अपने घर दे विच छे महीनिया तो वध रिजक नहीं सी रख सकता हुण तां सुख नाल अपने घरां च डेढ़ डेढ़ साल की कणक पई रही ने ढोलां च पर छे महीनिया तो वध कोई भी बंदा अपने घर रिजक नहीं सी रख सकता सब तो माड़ी गल उस वेले सी समाजिक पक्ष की कि जदों किसी की धी जवान हुंदी उहदा आनंद कारज हुंदा उहदी व्याही हुई धी पहला इलाके के चौधरी के घर रहिंदी ते फिर अपने घर जाके जीवन गृहस्थी जीवन बतीत करदी है बड़ी मंदभागी घटना सी उस वेले जो गुरु नानक साहब ने उतार लिया ये गल करदियां नूं ही डर भी लगता है तो शर्म भी आती है वह जहाँ घना कर पर जमाने की दशा से उस वे तो दूजे पासे
हिंदुस्तान का बादशाह बहलोल लोधी रोज़ अपनी प्रजा ते कोई नवे तो नवा फरमान जारी करता सी। फरमान जारी किया भी मेरे राज विच कोई भी बंदा आपको अपने धर्म के त्यौहार नहीं मनाएगा। जे किसी ने त्यौहार मनाया सानू पता लग गया असी अपनी मनमर्जी की सज़ा तय करांगे। दुशहरे का दिहाड़ा आया, जौनपुर के अंदर किसी सनातनी ने दुशहरे का दिन जान के ना डोल रात गई तो भी थोड़ी रात बतीत होगी भी हम लोग रोटी खा के सौन सुन लगे होंगे, कोई सौ गए होंगे। तो उन्हें अपने घर के जिहड़ी मूर्ति स्थापित की इस मूर्ति के अगे ना हौली जी आवाज में संख पूरिया भी दुशहरा च संख कदों पूरिया जाता जो जित दे जश्न मनाए जाए भी दुशहरे दिन राम जिया की जित हुई सी, रावण मोया सी, उन्हें संख पूर दिता। तो सुभा बनया हों संख पूरन का जिनी देर तक वो पूरा जोर ला के फूक ना मारी जाए उन्नी देर तक उस आवाज नहीं निकलती। वो पहला का सुभा बनया सी अचनचेत तो गल विसर गई भी किसी को पता ना लग जाए जो संख पूरिया गया पूरी तरह आवाज जी गुआं चौं घर निकलती निकलती गल सवेरे थरकारे दरबारे पहुँच गई भी रात सनातनिया ने दुशहरे का त्यौहार मनाया और साढ़े राज ने संख पूरे फौजा की गश्ती जी आ गई, फौजा आ गई। उन्होंने पूछया भी तुसा रात की कुछ किया, कह लगे भी देवी की मूर्ति मूर्ति के अगे किनारे तोड़िया जोत जगाई सी, फुलां दा हार पाया सी, पैसे रख के मत्था टेकिया सी, संख पूरिया सी। ते फिर असी किन्ना चिर नेत्र बंद करके जय श्री राम दा जाप करते रहे। तो सारिया गल्लां सुन के कहन लगे जिस देवी दे अगे तुसां नारियल फोड़िया ना उस ही देवी दे अगे हुण तुहाडे पुत्र दा सिर वढ़ के भन्निया जाएगा। नारियल थां ते उस ब्राह्मण दा इको एक पुत्र ते उहदा सिर वढ़ के उहदे देवी दे अगे वगा के मारिया नारियल दी तरह, ते पुत्र दा कालजा कढ के देवी दे मूँह दे विच भोग लवाया गया। भुब्बा मार मार के रोया वो हिंदू भरा साडा। तो इहो जी उस वेले इंतहा सी जुल्म दी। बहलोल लोधी ने कुछ हुक्मनामे जारी किए, फरमान जारी किए भी मेरे राज विच कोई भी बंदा जिहड़ा वो त्यौहार नहीं मनाएगा। तो धक्के जबरी लोगों के धर्म परिवर्तन किए जा रहे थे। एक ना हिंदुस्तान के अंदर यह बड़ा मसला है, जिहड़ा राजा बन जाता है ना वो पहला आंदा भी मेरा ही धर्म होवे थे होर किस दा ना होवे। धर्म जिहड़ा वो बहुगिनती का मुखाज नहीं है, धर्मी लोग जिहड़े ने इन्ने हुंदे नहीं है। हुण सिख धर्म किड्डा वड्डा, 70 मुल्कां विच आबादी सिखां दी, 70 मुल्कां दे विच 70 देशां दे विच सिखां दे अपने घर ने, अपने निशान साहब झुलते ने, अपनियां गड्डियां ने ते अपनियां जमीनां ने। 70 कु मुल्कां च मैं सिखां दे बागां दी सैर करके आया, 70 मुल्कां दे विच सिखां दा सारा कुछ आपो अपना है। पर जे आपां कहीए सारे धर्मी ने, सारे धर्मी नहीं। इसे तरह ही जे धर्मी बहुगिनती का विशा नहीं है, धर्म ते धर्मी लोग होंदे थोड़े ने, पर धर्म की बुनियाद जिहड़ी सूलां ते बजदी। पर हिंदुस्तान का खासा रहा जिहड़ा भी बंदा इत्थे बादशाह बनदा वह आंदा वी मेरा धर्म चार छपेरे होना चाहिए, बाकी के धर्मां नूं धक्के नाल जबरी जिहड़ा अपने धर्म च मिलाओ। बहलोल लोधी ने भी हुक्मनामे जारी कर दिते कि जिहड़ा भी जिवें भी किवें करके बंदा अपने धर्म च इस्लाम दे विच लै के आ। लालच दिते जाण लगे, डरावे दिते जाण लगे,
लाहौर तो लेंदे पासे 20 मील की दूरी ते एक पिंड आ, पिंड का ना आ भट्टिया की पिंडी। पंजाब अंदर कई ऐसे पिंड ने जिथे एको ही गोद के सारे परिवार बैठे ने, तो पिंडा का नाम ही उन्होंने नाँ से रख्या गया, गोतां के नाँ से रख्या गया। भट्टिया की पिंडी के अंदर राजपूत लोग रहिंदे सन, ते इत्थे एक ना बड़ा सूझवान बंदा दरम्याने जे परिवार का मालक ते दरम्यानी जी की अवस्था भाव, ना बहुता अमीर आ ना बहुता गरीब आ, इहदा गुजारा वधिया चलदा। सियाणा बड़ा सी, इहदा नां आ भट्टी राजपूत भोए। जदों इहदी कन्नी आवाज पई ना बई बहलोल लोधी धक्के नाल धर्म परिवर्तन करवा रहा है, तो इन्हें आख्या भी पिता पुरखी काम कार करद्या आपां इन्ने साल हो गए ने मिट्टी नाल मिट्टी होंदिया नूं, ते आपां इस तरह करिए भी आपां ना राजपूताना धर्म छड के, खत्रियां दा धर्म छड के, ते आपां मुसलमान हो जाइए, नाले ते जगीर लै लगांगे, नाले परिवार के जीव बच जाएंगे। हुण राजा राजा दे मूंह नूं खून लग गया नहीं, मुड़ना तो है नहीं। तां भट्टी राजपूत भोए ने बाणी के मुताबिक खत्रियां दा धर्म छोड़िया, मलेश भाखिया गई, अपना क्षत्रियों का धर्म छड के ते इस्लाम मत धारण करने वास्ते ने अपना ऐलान कर दिता। जदों इन्हें ऐलान किया तो दरबारे गल गई दी, उन्होंने ये वल वेख के इनू 10 पिंडा की जगीर जिहड़ी है परगना सगरपुर इलाका पाकिस्तान के अंदर अजे भी कई ऐसे परगने ने, तुहानू जे पता होवे सरहद के अंदर सरहद के अकॉर्डिंग सूबा सरहद के वेले 27 परगने जिहड़े ने मामला ला सरहद जाके तारदे होंदे सी, सुनाम ढोडे जिहनू अज भवानीगढ़ कहा जाता, समाणा, कैथल, कपूरी, रियासत नाभा, जींद, सारे तो परगने मने जाते। 27 परगणियां का सूबेदार सूबा सरहद वजीद खान मामला लैंदा सी। इस तरह जिहड़ा गुरद्वारा पंजा साहिब आ वो जिहड़ा परगना, परगना जलालपुर के अंदर पैंदा है, तो ये परगना सकरपुर परगना 10 पिंडां की जगीर जिहड़ी है भट्टी राजपूत भोए नूं मिली। 10 पिंडां की जगीर प्राप्त करके बड़ा खुश होया भी आपां मरले तो लैके मरबे नूं वड्डा जाणदे आ, ते पिंडां दे पिंड, एक पिंड की जमीन, दो दी, चौं दी, 10 पिंडां की जमीन, ते परगने का मालक बन गया। तां इहनूं राय की उपाधि दित्ती गई, जिवें अज हर एक पार्टी अपने जिले का एक प्रधान बनाउंदी है, यूथ विंग का प्रधान आ ए जी, मालवा जोन का प्रधान आ ए जी, माझा जोन का प्रधान है, एवें अंग्रेजों के वेले राय की उपाधि दिती जाती सी, जां राय बहादुर की उपाधि दिती जाती सी। तां भट्टी राजपूत भोए नूं राय की उपाधि मिली, जिहड़ा इहदा पुराना नाम सी उह इहने अपना नाम बदल लिया, भट्टी शब्द भी कट्टिया गया, राजपूत इहदा धर्म सी जिहड़ा खत्रियां दा गोत उह भी छड दित्ती। भोए का नाम मापिया ने रखा सी, राय जी नूं उपाधि मिली सी, इहने राय भोए दो ही नाम रख लिया, राय उपाधि का जिवें सरपंच दे नाल अगे आपां दा नाम ला दईए बस, हुण दौर इहो चलदा पिया ना, प्रधान फलाणा नाम सिंह ते ना गुरु की बख्शिश, बस कला प्रधान अहुदा ते बंदे दा निक नाम, छोटा नाम, बंदा अहुदेदार ते वड्डा बन जांदा है, पर नाम दे विच उहदी कोई वैल्यू नहीं, छोटे जे नाम नाल लोकी नूं जावाजां पै मारदे। भट्टी राजपूत भोए ने अपना नाम बदल के हुण राय भोए रख लिया। एक इहनूं पग मिली, फरले वाली पग मिली, एक इहनूं घोड़ी मिली, नाम विच कुछ नगद सोने दियां मोहरां मिलियां, सारा ये
राज भाग प्राप्त करके पट्टी राजपूत भोए बड़ा खुश होया। एक दिन वह घोड़ी ते चढ़िया ते अपने सारे परगने की जमीन का गेड़ा पिया लाउंदा लाउंदा आकनक विचकार जे थां ते खलो गया। कहन लगा भी हुण दीनों बेदीन भी होए आ, धर्मो बेधर्मी भी होए आ, हुण जो कुछ करना मन दीआं रीझां तां पूरीआं करिए। कहन लगे हुण अपने नां ते इक पिंड वसाउणा करिए, क्योंकि जिन्होंने ये धर्म तो अधर्मी होया, जिन्होंने दीनों बेदीन होया बराबरी वाले लोगों ने बड़ा कोसया। कहन लगे असां तेरे नाल नहीं रहना है। कह लगा कोई गल नहीं। इन्हें फिर पट्टी राजपूत भोए ने नाम बदल के राय भोए की तलवंडी नामी पिंड वसाया। इन विचकार अपने 10 पिंडां दी जगीर दे विचकार उत्थे मोड़ी गड्डी भी इत्थे आपां पिंड वसाउणा है। उहदा नाम रख्या राय भोए की तलवंडी। ना रख दिता। कहन लगा हुण पिंड दे विच लोग भी होने चाहिए, तां इहने इलाके दे विचों हुनरमंद बंदे जिहड़े ने उह लिया लिया के ते वसाउणे कीते। जिवें तुसां ज्ञानी जी नूं रख्या वा काफ़ी लंबे समें तों, पहलां इहनां ने सब तो पहलां पट्टी राजपूत भोए ने इक पंडित लियांदा, पंडित हरदयाल जी वैद लियांदा, जुत्तियां दा काम करन वाले चमार लै आंदे, सुनियार लै आंदे, लोहार लै आंदे, जिमीदार लै आंदे, नाई लै आंदे, मोची लै आंदे। हर एक पिंड विच जिहड़ी जिहड़ी चीज़ की लोड़ हुंदी है सारे तरह के लोग जिहड़े लै आंदे। तो एक घर बनता गया, दो घर बनते गए, आखिर करद्या करद्या जी राय भोए की तलवंडी घुग वसदा शहर बन लगा, नगर बन लगा। तो जो सारा कुछ हो गया ना, तो फिर जिहड़े दृष्टी आए सन वक्खो वक्खरे काम कार करन वाले हुनरमंद बंदे, वह कहन लगे भी सानू हुण कुछ ना कुछ जमीन दे विचों हिस्सा दिओ, घर ते बन गए ने, असीं खेतीबाड़ी करांगे। तां कहन लगे भी ठीक आ। फिर राय भोए ने विचार की भी ये हुनरमंद बंदे ते आ गए ने, मेरे इस 10 पिंडां दी जगीर नूं संभालण वाला एक कारदार चाहिए, जिहनूं अज आपां पटवारी कहिंदे, कारदार चाहिए। तां उह फिर कारदार दी भाल करदा करदा चलदा चलांदा गोडे नगर विच आ पहुंचिया, जिथे गुरु नानक देव मार दे वड्डे वडेरे रहिंदे सी, जिथे शिव राम बेदी ते उहदे दो पुत्तर कल्याण चंद बेदी लाल चंद बेदी। सवेरे पुरथरे नगर विच ना कथा हो रही सी ते ज्ञानी जी दो नां लै रहे सन। पहला तो कह रहे सन मैता कालू, जदों उहनूं चेता आया ते फिर कहिंदे हन कल्याण चंद। जदों भी कोई प्रचारक रागी ढाडी ज्ञानी संत महापुरख होवे, वो ये गल कहे ना गुरु नानक देव महाराज के पिता का नाम मैता कालू, तां तरीके नाल लड़ना नहीं, परची ते लिखो मैता कल्याण चंद जी बेदी साहब, मैता कल्याण चंद जी बेदी जी साहब शब्द ला के लिखो कि ज्ञानी जी रागी जी ढाडी जी महापुरखो आ शब्द बोलो। कालू ना कहो, साढ़े नानक निरंकारी का पिता नूं कालू ना कहो, कालू भी नहीं आते, कई तो कालू ही आते। असी हुण पिंड विच वसने आ, तुसीं भी वसदे हो, किसे कोल मरला किसे कोल मरबा जमीन दा, किसे कोल चार ने किसे कोल 8 किले ने, कदी आपां किसे दे बजुर्ग का नाम मूँह दे उत्ते माड़ा लिया, छोटा नाम लिया? बुजुर्ग कहिए तुहाडे बजुर्गां का की हाल, फिर जां फिर बजुर्ग हानी कहणगे सरदार फलाना सिंह का की हाल है, सरदार दलीप सिंह का की हाल है। यार गुरु ग्रंथ साहब महाराज कोल प्रकाश होण ते गुरु ग्रंथ साहब विच हर शब्द उत्ते गुरु नानक देव महाराज का नाम होवे, ते आपां गुरु नानक साहब के मूँह ते आखिए गुरु नानक साहब के पिता का नाम मैता कालू, शर्म वाली भी गल आ।
तिनमोशी वाली भी गल आ। दुनिया में कई एक डुब के मरण वाला आलम है जो आप अपने गुरु का नाम नहीं चंगा लै सकते, जो कलगीधर पातशाह के नाल रहने वाले सिंघां ने रहतनामे लिखे ने ना उहदे विच जिक्र किया है। भाई चौपा सिंह वाला रहतनामा, भाई नंद लाल जी के रहतनामे, भी अद्धा नाम लैके जिहड़ा बंदा पुकारदा जिहड़ा पूरा नाम नहीं कहता लैंदा उहनूं बाणी ने तनखाईआ मन्निया। गुरु गोबिंद सिंह वाले अद्धा नाम लैके पुकारन वाले नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज तनखाईआ करार दिंदे आ। जदों भी किसी नूं आवाज मारनी तां पूरा नाम लैके आवाज मारनी है। तो मैं बेनती कर रहा सा गोडे नगर के शिव राम बेदी तो दे दो पुत्र मैता कल्याण चंद जी बेदी ते लाल चंद बेदी जीवन बसर कर दे। राय भोए इन्हां कोल चल के आया शिव राम बेदी कोल, कहन लगा जी मैं सुनिया तुसी जमीन दे बड़े माहर हो, जमीन की मिनती गिनती दे बड़े तुहानू मोटे इलम ने, तुसी इस तरह करो कि मेरे को 10 पिंडां दी जमीन है, एक परगना है, वो सारी कारदारी तुसां संभाली, जमीना ते आपां भी वाहियां आपां रखियां ना हैगे आ, पर सारिया बंदे नूं जमीन दा ज्ञान नहीं, हर एक बंदे नूं जमीन दा ज्ञान नहीं आ। पिछली पीढ़ी नूं ते सी, आउण वाली पीढ़ी नूं कोई पता नहीं, ते मां दे शेर पैली ते चार छपरे गेड़े नहीं मारदे, ये तो घरों निकलते स्कूले गेड़ा मार लिया, शाम को क्लब च मार लिया, जा जिम च मार लिया, खेत ते जांदा ही कोई नहीं मुंडा, घर के काम नूं हाथ नहीं लांदे, ते जिम च रुपये भी दे आउंदे आ कोलों, ते उत्थे सारा दिन खपते रहिंदे, घर का काम भी नहीं करदे, ते घर की खुराक भी नहीं खांदे, होर ही डब्बे चुकी फिरदे आ मोटे होण लई, ना घिओ ना दुध ना दही ना लस्सी ना कोई पंजीरी आदि, घर की खुराक भी नहीं खानी, घर का काम भी नहीं करना, खाना भी बाहरों है तो मेहनत भी बाहर ही करनी है, तो जाना भी बाहर ही आ, सतनाम श्री वाहिगुरु, जाना भी बाहर ही है, इत्थे भी नहीं रहना है। हाल हो गया सिखां दे धीआं पुत्तरां दा, चलो जिहदे कोल कोई मन्निया के मरले सौड़े ने पंज चार मुंडे आ, वो तो बंदा बाहर गया, जिहदे कोल सारा कुछ इत्थे आ वी भुंजे डीरी लाउंदा पिया। तो मैं बेनती कर रहा सां मैता कल्याण चंद बेदी के पिता नूं जमीन का बड़ा मोटा इलम सी, ते वो कहन लगे भी तुसीं साडी जमीन की कारदारी आके करो, तुहानूं घर बना के दिता जाएगा, तुहाडे बच्चियां की परवरिश होएगी, जो कहोगे जिन्नी जमीन कहोगे उन्नी जमीन तुहानूं मामले दित्ती जाएगी, तुहाडे दो पुत्र ने काम कार करनगे, रोटी सौखी खाओगे। गोडे नगर तो शिव राम बेदी का परिवार, शिव राम बेदी घरवाली बीबी बनारसी, दो पुत्र लाल चंद ते कल्याण चंद, ते कल्याण चंद की घरवाली साडी सत्कारयोग माता तृप्ता जी, सारा परिवार जिहड़ा राय भोए की तलवंडी जाके वसे, ये जद्दी पिंड नहीं है, इत्थे आके वो सेवा कीता। ते फिर अगले दिन सभा बिठाई गई, सारे आए हुए हुनरमंद बंदियां दी, बई जिहड़ा जिहड़ा सज्जन खेतीबाड़ी करनी चाहुंदा जिन्नी जमीन संभाल सकेगा वो आपो अपनी जमीन जिहड़ी है कारदार कोलों लिखवा लो पटा। किसी आख्या जी मेरे तीन पुत्र ने मैं 30 एकड़ जमीन सांभ सकदा, किसी आख्या जी मेरे चार पुत्र ने मैं 2 मरबे जमीन सांभ सकदा। तो इस तरह सारी 10 पिंडां दी जमीन जिहड़ी है परगना सकरपुर की जमीन वंड वंड के दी गई सारे लोगों को, तो समा चलता गया, समा चलता गया, तो हुण इत्थे कल्याण चंद जी बेदी आए सी, ते साडी सत्कारयोग माता तृप्ता जी आए सी, मालक ने रहमत की कि राय भोए की तलवंडी नूं भाग लगना सी। साडे ना जीवन विच संजोग हुंदा है, मां प्यो नाल भी संजोग हुंदा, कल्ला इह नहीं भी घरवाली का ते घरवाले का संजोग हुंदा, हर एक जीव नाल संजोग हुंदा है अपना। राय भोए दे नाल संजोग आ शिव राम बेदी का,
तो अगली पीढ़ी के जोड़े वारस होने उन्हों का अपना संयोग है। समा पा के मालक ने रहमत की कि माता तृप्ता जी को एहसास होया कि सतगुर साचे दीया भेज भी साढ़े घर वाहगुरु ने भाग लाए ने, मेरी भुख जी सुलखनी हो गई है। एक दिन गुजर एक महीना गुजर करद्या करद्या बाणी का फैसला दसी महीनी जमया सिमरन करी करे ने सतारा। दस महीनों के समय बाद इधर कल्याण चंद बेदी के घर भी बच्चा होने वाला है, तो दूजे पासे राय भोए के घर भी पुत्र पैदा होने वाला वह नाम जिदा अपने राय गुलाल कहने राय भोए तो राय गुलाल पिता पुरखी देव ने तो दोहां दे मालक ने भाग सवले जा गया कि राय भोए के घर पुत्र पैदा आ राय गुलाल। तो इधर समा पा के मैता कल्याण चंद बेदी के घर कत्तक की पूर्णमासी 1469 राय भोए की तलवंडी च भाग लगे आ। बाणी के कहन मुताबिक बाणी के उपदेश मुताबिक जोत रूप हरे आस गुर नानक कहा निरंकार ने जदों की सृष्टि साजी है उदों निरंकार जिहड़ा पहला 36 युग निरंकार निर्गुण स्वरूप च बैठा रहा कलम कला कोई चीज़ नहीं सी आ दुनिया जिहड़ी आपां वेख रहे 36 युग परमेशर कला बैठा रहा। क्यों बैठा रहा बहन का भी कारण सी जिस दिन ब्रह्मा की सिरजना की ना विष्णु की नाभी चो तो ब्रह्मा नूं हंकार हो गया सृष्टि बनाउण लगा परमेशर। पहले 3 देवते बनाए ब्रह्मा विष्णु महेश पहला ब्रह्मा नूं सिरजिया तो विष्णु जी ने सिरज दिता तो शिवजी भगवान नूं सिरज दिता। तिन्ने बैठे आपस गल्लां करदे आ कहन लगे भई असीं 3 पैदा तो हो गए सानू ये नहीं पता लग रहा भी सानू जन्म किन्ने दिता। तो विष्णु भगवान कहन लगे भी आपां नूं जन्म दिता परमेशर ने। कहन लगे मैं कित्थों पैदा आया कहन लगे तू साडी नाभी चो पैदा हो आंदा नहीं यार ये कि हो सकता नाभी चो बंदा पैदा कि हो सकता है। तो ब्रह्मा जिया ने नाभी कमल के फुल नूं लत कड मारी हंकार चा जिदा जिक्र बाणी च आया महाराज दे गुजरी राग है गुरु ग्रंथ साहब महाराज का 5वां राग है तो 5वें राग का 2 शब्द है नाभ कमल ते ब्रह्मा उपजै वेद पढ़ै मुख कंठ सवार ताका अंत न पाए मूले आवत जात रहै गुबार। जदों पहली लत मारी तो कमल का फुल थोड़ा जिहा टेढ़ा हो गया दूजी लत मारी फिर सीधा हो गया तीजी लत मारी ने जो हंकार चाक के पुआंटली खा के ब्रह्मा जी नाभी के डिग पे कमल के फुल के उत्ते डिगे नाभी जी डिगे तो परमेशर ने सृष्टि साजनी ही निर्गुण तो सरगुण रूप धारण करना सी। तो इधर ब्रह्मा नूं हंकार हो गया एक बंदे दे हंकार करके 36 युग सृष्टि लेट साजी गई है एक बंदे दे एक पल का हंकार करने 18 युग ब्रह्मा उस कमल की नाभी जी थले नाली होंगी ना चिकड़ तक लगी होंगी है 18 युग ब्रह्मा जिहड़ा नाभी दे विच थले जांदा रहा थले डिगदा ही डिगदा ही डिगदा ही गया। हुण ज्यों ज्यों थले जाइए तो त्यों त्यों हनेरा धुप हो ही जांदा है लगा फिर बौड़ियां पाउणा परमेशर कृपा कर मैनू बाहर कढ इत्थों मैनू पैदा करन वाला तू है मैनू बाहर कढ। जदों 18 युग जाता गया ना थले थले जाके 18वां युग समाप्त होने लगा कल टिकाने आ गई बई परमेशर नाल मथा नहीं लाईदा अरदास की भगवान मैं भुल गया मैनू तू पैदा किया जिमें भी किया तू अपनी रजा च किया मैनू इतों बाहर कढ हूँ 18 युग हो गए सन थले जाने बच्च डिगण वास्ते तो वापस आने भी टाइम लगता है ना 18 युग फिर ब्रह्मा जी उपर नूं आउंदे गए परमेश्वर की कला में
36 युग तो साढ़े कले बरबा ने नबेड़ दिते थे जी उन्होंने कदा दूजे मुल्कों राज कर लेना सी यार खालसा भी 36 युग लेट हो गया नहीं तो हमने सारे वर्ल्ड से अपना राज होना थोड़े कुछ साल 72 मुल्क जा पहुंचे तो जे 36 युग एडवांस हो आप इन्ने चिन्ह तो आप कई तरह के राज कर लेने और लिया तो 36 युग जेड़े इस तरह ही बतीत हो गए 36 युग परमेशर निर्गुण स्वरूप बैठे रहे तो हुण मालक ने सृष्टि का निर्माण किया तो हुण फिर जो सृष्टि का निर्माण किया पहला परमात्मा ने किसी को एक कला दिती ब्रह्मा जी ने एक कला दिती कि ज्ञान की कला दिती उन्हें चार वेद जेड़े ने आप उच्चारण किए ने आप ही पाठ सुनाया संथ्या भी आप ही की उन्हें आप ही व्याख्यान किया कला सी ब्रह्मा जी के फिर दो कला दितियां परशुराम जी ने परशुराम ने दो कला दितियां इस तरह कृष्ण भगवान ने 16 कला दितियां रामचंद्र जी ने 14 दितियां जो 16 कला संपूर्ण हो गई ना फिर निरंकार ने वेख्या भी दुनिया उत्ते जुलम बहुत हो रहा वाह बहुत हो रहा धक्का चोरी बड़ी हो रही है चोरी बहुत हो रही है ठगी बहुत हो रही है तो फिर महाराज आते जोत रूप हरे आप गुरु नानक कहायो निरंकार ने फिर सर निर्गुण तो सरगुण रूप धारण का फुरना बनाया तो इधर जिहड़ी खलकत सी जमाने की वो दुखी बहुत होई बैठी सी राजियां तो धर्म के आगुआ तो जिहड़ा राजसी पात्र सी हिंदुस्तान का वह सी बहलोल लोधी जालम बड़ा सी जिहड़ा धार्मिक पक्ष सी उस वेले का वह महाराजां दे आ वी काजी कूड़ बोल मल खाए काजी जिहड़ा सी वह झूठ बोल के रिश्वत लैंदा सी कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावै जियां काए ब्राह्मण जिहड़ा वह जियां का घात करदा सी धोती खोल विछाई हेठ गर्तब वांगू लाजे पे जियां पुत न संगै प्राणी वह जियां दा जियां नूं कौन वास्ते संगदा नहीं सी आया कोहे बकरा रे ने खाया सब को आखै पाए ये ब्राह्मण की दशा बन गई सी सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ब्राह्मण जिदे भी कन में फूक मार के मंत्र देंदा सी जनेऊ पाँदा सी उहदे घर पहला बकरा रिजदा सी तो पाप हो रहा सी दया ना दी चीज नहीं सी दुनिया ते रही तो फिर इन्नी जिहड़ी दशा वेख के ना कादी कूड़ बोल मल खाए ब्राह्मण नावै जियां काए हिंदुस्तान की बोली एक कदे भी नहीं रही है गुरु नानक साहब तो पहला भी एक बोली नहीं सी धर्मां का झेड़ा ही रहा इत किसी ने जनेऊ पाया किसी ने गल माला पाई कोई आंदा रुद्राक्ष की पानी कोई आंदा तुलसी की पानी कोई आंदा काठ की पानी लकड़ी की कोई सब्ज रंग की माला पहनता सी कोई रत्ते रंग की पहनता तो वक्खो वक्खरी माला का भी रंग का भी झेड़ा माला का भी झेड़ा तो सारा कुछ इतने धर्म पंख कर उड रहा जरा धर्म से वह खंभ ला के उड्या होया सी नेकी ना दी चीज कोई नहीं सी आए हिंदुस्तान दे तो धन फिर गुरु नानक देव महाराज जिया दे संगतां अरदासां बेनतियां कर रही सन कल मल होई मेदनी अरदास करै लिव लाए सच्चे सुनिया कन दे सच्चे काल पुरख वाहिगुरु ने कन ला के खलकत दी अरदास सुनी सुनी पुकार दतार प्रभु गुरु नानक जग माए पठाया गुरु नानक देव महाराज का फिर कत्ते की पूर्णमासी पै रात रहिंदिया महाराज का अवतार होया ते भाई गुरदास जी लिखते हैं भी मावां का सुभाव हुंदा पुत जाना वड़ कोठड़ी बाहर जग जाना मावां जिहड़ियां बच्चियां नूं जन्म देंदियां ते लुको के जन्म देंदियां पुत जाना वड़ कोठड़ी मान लो कि 500 फुट का घर है अपना लंबा 500 फुट के अगे पहला वेहड़ा होगा कोई 200 फुट का 100 फुट का फिर कोई 15 फुट का ड्रैंग रूम है 15 की लॉबी आ 15 का पिछला कमरा है
ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਬੁੱਤ ਜਣਾ ਵੜ ਕੋਠੜੀ ਬਾਹਰ ਜਗ ਜਾਣਾ। ਤੋ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਰਹੇਜ਼, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਮਾਈਆਂ। ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੀ ਬੰਦ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਬੋਲ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣੀ ਸ਼ੁੱਭ ਬੋਲੀ ਬੋਲਣੀ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਨਿੰਮ ਦਾ ਵੱਜਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੋਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਨਵੇਂ ਰੂਹ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ, ਹੱਲੇ ਯਾਰਾ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਵੱਜਿਆ, ਨਿੰਮ ਵੱਜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨੰਬਰ 2 'ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਆਓ ਅਤੇ ਜਿੱਥੋਂ ਘਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਧੂੰਆਂ ਧਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਬਿਠਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੇਬੇ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੋ। ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ, 25-25 ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਰੂ ਆਈ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਨੀ ਦਾ ਧੂੰਏ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਦਕਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਰੂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਕਾ ਵਿਖਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗਾਂ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਮਾਈਆਂ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਲੰਮੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਦਾ ਪਾਂਦਾ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੱਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦਾ ਬੰਨ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੌਕ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਰਾਈਫਲ ਕਾਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਗਰ ਦਬਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਈਆਂ ਵੀ ਜੈੱਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਪੁਆਂਦਾ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਰਾਣੇ ਤਵਾ ਮੁੱਠਾ ਮਾਮੂਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਪੁੱਤ ਜਣਿਆ ਵੜ ਕੋਠੜੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਕੋਲ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਵੇਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਹੇਰਤ ਹੇ ਸਖੀ ਹੋਏ ਰਹੀ ਹੈਰਾਨ, ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਚਲੀ ਗਈ ਵੀ ਇੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਈ ਹੈ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਬੜੀ ਗਹੁ ਭਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤਨ ਮਨ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ ਜਾਂ ਗੁਰ ਦੇਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ, ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਲਕ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਨੇਤਰ ਜਿਹੜੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਅੱਜ ਜਨਮ ਲੈਣਾ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਚੱਲੇਗੀ ਬਈ? ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਹਰ ਬਾਲਕ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਲਕ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਦੌਲਤਾਂ ਦਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ
खब्बी बखी वाले पासे नाल लम्मिया पाता, खब्बी बखी वाले पासे। ये हुण गल दा माइयां नूं ज़्यादा पता है, खब्बी बखी वाले पासे जिहड़ी आ बच्चे की तसीर ज़्यादा होंदी है, ते खब्बे पासे माँ का दिल आ। साडा भी दिल माँ दे खब्बे पासे है, जिस पासे दिल आ उस पासे बच्चे की तसीर ज़्यादा आ। तो दौलतां दाई ने जदों नानक निरंकारी नूं माता तृप्ता की खब्बी बखी नाल पाया ना, ते माता तृप्ता जी नूं वधाइयां दित्तियां जा रहियां नहीं कोल। उस वेले बीबियां सियाणियां कोल सी, ते माता तृप्ता ने आख्या, दौलतां जा जा के महिता जी नूं भी खबर दे के आ, पा महिता कल्याण चंद बेदी जी। तां दौलतां दाई फिर अंदरों निकली है। गुरु नानक साहब बाणी च लिखते हैं, जिन कन कीते अखी नाक, जिन जिहवा दित्ती बोले ताक, जिन मन राख्या अग्नि पाए, वाजै पवन आख्या सब जाए। दौलतां ने वेख्या जन्म लैण वाला बच्चा भी ठीक है, जन्म देने वाली माँ भी ठीक है। वेखो साढ़े तुहाडे घर जो पुत्र पैदा होवे ना, बड़ी खुशी की गल है, ते धी दे जन्म तो भी खुशी ओनी मनाया करो, फर्क ना रखिया करो। ते खुशी तां ही सोभदी है ना, जे जन्म देने वाली माँ तंदुरुस्त होवे बाद विच, ते जन्म लैण वाला बच्चा भी तंदुरुस्त होवे, तां ही तुहानूं खुशी जिहड़ी ओह सोभरी होंदी। जिवें अजकल बच्चे जन्म लैंदे ने, जन्म वेले ही बच्चे ट्यूबां च रखे जांदे, ओह वधाई देण नूं भी जी नहीं करदा, ते वधाई लैण नूं भी जी नहीं करदा परिवार वाले। कई बार बच्चे दे जन्म वेले बड़ी मंदी दशा होंदी है माँ बच्चे की, तो उदों जी खुशी आ वह पस्त हो जाती है। खुशी खुशी नहीं रहती जदों बच्चे नूं कोई दिक्कत आ जाए जन्म लैण लगे। खुशियां वधाइयां उदों ही सोभनीक होंदियां ने जदों जन्म देण वाली माँ भी तंदुरुस्त होवे, ते बच्चा भी तंदुरुस्त होवे। दौलतां दाई ने वेख्या भी दोवें तंदुरुस्त ने, वाजै पवन आख्या सब जाए। बच्चे दे सवास चलदे वेख के, बच्चे नूं हसदियां वेख के, बच्चे दे नेत्र खुले वेख के, बच्चे दे हाथ खुले वेख के, सारियां ये घटना वेख के दौलतां दाई जिहड़ी बाहर आई ते आ के आंदी, महिता जी वधायो, तुहाडे घर लाल ने जन्म लिया, भाव पुत्र ने जन्म लिया। पुराने बजुर्ग लाल कहा करदे ने पुत्रां नूं, लाल मेरे लाल जी, ओह तेरा अंत ना जाणा, बाणी दे अंदर शब्द आया। माता गुजर कौर जी ने कदे गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं गोबिंद सिंह नहीं सी कहा, जदों आवाज मारदे सी लाल जी कह के आवाज मारदे सी, लाल जी नूं इह सुणिया दो, लाल जी नूं बुला के लियाओ, तुहाडे घर लाल जी ने जन्म लिया। ते पिता महिता कल्याण चंद बेदी साहब कहिंदे आ, दौलतां पुत्र दे जन्म दी खुशी दित्ती आ, खुशखबरी दित्ती आ, हले यारा खुशखबरी, बत्ती दंदा चो जो मंगया जांदा मंगला, तेनू अज दे तेरी झोली च पा देंगा, जो मंगेगी तेनू दे देंगे। दौलतां ने दोवें हाथ जोड़े कहन लगी, महिता जी तेरे पुत्र दे दीदार करन तो बाद मेरी अवस्था जिहड़ी ओह बदल गई है, साच नामे आधार मेरा जिन भुखां सब गवाइयां। साढ़े घर जी तो पुत्र जन्म लेंदा, तुहाडे घर कुछ लोग मंगण वास्ते आउंदे, तुसीं उहनां नूं एक चीज़ दोगे दूजी होर चीज़ मंग लैणगे, जे कपड़े दोगे पैसे मंगणगे, जे पैसे दोगे नाल कपड़े मंगणगे। ਉਹ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫਿਤਰਤ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਦੌਲਤਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੇਰੀਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਟ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਭੁੱਖ ਮਿਟੀ ਨਹੀਂ। ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਕੰਡ ਪਰਨੇ ਜਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ। ਲੋਕ ਏਡੇ ਲਾਲਚੀ ਨੇ, ਸਬਰ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਕਾਗਜ਼ ਅੱਗੇ ਧਰ ਲਈਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਣ ਕਰ। ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਰਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਆਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ। ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਸਵਾਰਥ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ,
तो दौलतां दाई की रूह रज गई है। तो उस वेले फिर पंडित हरदयाल जी नूं बुलाया गया, कहन लगे बालक की जन्म पत्री बनाओ, बर्थ सर्टिफिकेट। सिख ने सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट बनाना, जन्म पत्री नहीं बनानी। बर्थ सर्टिफिकेट दे विच ते जन्म पत्री च बड़ा फर्क है। पहले जमाने विच गुरु नानक साहब दे वेले जो ब्राह्मण की रीति सी, जन्म पत्री बनाई जाती सी कि इहदा ग्रह नक्षत्रां दे हिसाब नाल टेवा ला के दसो कि साडे घर जन्म लैण वाला पुत्र धी जिहड़ा किहो जिहा आग्ञाकारी के शनिछरिया, मंगलीक या के शनिछरिया, ये चीज़ां वेखियां जांदियां सी। पर हुण तुसां की करना, हुण आपां डेट लिखाउणी है, सही डेट लिखाउणी है, नाम भी सही लिखाउणा है। अमाइयां नूं बेनती है, एवें नूहां दे दो तीन नां ना रख दिया करो आउंदियां दी, जिहड़ा पेकियां दा नां हुंदा उही रहण दिया करो, क्योंकि हुण एक अक्खर गलत हो जाए ना ते साईं इमीग्रेशन दफ्तर चों वापस मोड़ दिंदे। जिहड़ा नां नौ राणी दा पेकियां तों चलदा आ उही नां रखणा। तो साडा सुभाव हुंदा पेकियां दा नां होर हुंदा, सहुरे होर रख लैंदे, मगरों दिक्कतां आउंदियां। तो पंडित हरदयाल जी नूं बुलाया गया, पंडित जी आ गया, कहण लगे भी जन्म वेले जिहड़ा बंदा कोल सी उहनूं बुलाओ। दौलतां दाई नूं सद्दिया गया, आ गई दौलतां दाई। कहण लगे भी चेन चक्कर दस बचे। कहण लगे जी पुछो। कहण लगी भी नंबर एक ते मैं इन्ने बच्चों अपने अखा नाल जन्म देंदिया लेंदिया वेख्या, हाथी मैं सारी कारगुजारी करनी आ, पर अज तक मैं इहो जिहा बच्चा कोई जन्म लैंदा नहीं वेख्या। कहण लगी की होया। कहण लगी जदों महिता जी दे पुत्तर दा जन्म होया उस वेले सारी कोठड़ी दे अंदर इन्ना तेज प्रकाश सी, इन्ना तेज प्रकाश सी, मेरिया अखा नूं कुछ सुझिया ही नहीं, दिसिया ही नहीं है। गुरु का प्रताप बहुत है। कोई सुलझिया होया पाठी जिन्हें सारी जिंदगी गुरु नूं प्रेम किया होवे, किसी महापुरख को पढ़िया होवे, जब कला के ठब कला के बाणी पढ़ता होवे, ते नितनेमी होवे, प्रेमी होवे, वह सज्जन जदों बाणी पढ़ेगा ना गुरु ग्रंथ साहब महाराज की रीझ के, स्वार्थ तो उपर उठ के, भेटा तो उपर उठ के जदों बाणी पढ़ेगा ते तुहानूं दसां मिंटां तो पहला नींद ना आवे ते मैनूं सिख ना आखो, तुहानूं वासियां ना आवे ते मैनूं सिख ना आखो, अखां जो पाणी ना आवे ते मैनूं सिख ना आखो। ये पहली निशानी है जदों बाणी असर करदी है ना, ते तुहाडे शरीर दे विच सब तो पहली घटना कि तुहानूं बाणी सुनिया सुख मिलता, तो बंदा सौंदा कदों है, जदों सुखी हुंदा। दुखी बंदा कदे सुत्ता वेखदा? हालांकि बंदा सारी रात दा सुत्ता हुंदा, दरबार च आया सवेरे अमृत वेले टिकी हुई रात या गुरु का वजीर बाणी पिया पढ़दा, तो तुसीं कंध नाल ढो ला के बैठे सौ गए, इहदा मतलब की है? तुसीं उनींदरे नहीं है, तुसीं तां रात सारी रात सुते रहे, दरबार जा के क्यों सौ गए? क्योंकि दरबार के अंदर बाणी का प्रताप वरतदा पिया। जदों प्रताप वरदा तो उहदे नाल मन साडी आत्मा सुखी हुंदी है, तो शरीर जिहड़ा उदों एक अवस्था में चला जाता, नींद नहीं हुंदी, वो समाधि की अवस्था हुंदी है। तो जिस तरह घटना घटती होवे तो उहनूं वधाया करो, घटाया ना करिया करो। बाणी नूं ध्यान नाल सुनदे जाओगे, अवस्था उच्ची हुंदी जाएगी। तो प्रताप ते बाणी दा साडे तों झल्लिया नहीं जांदा, दस मिनट भी मिंटां दे विच जां नींदर आ जाएगी, जां वासियां आउण लग जाणगियां, जां अंग जिहड़े टुट्टण लग जाणगे शरीर, जां अखां चों पाणी आउण लग जाए। ते दौलतां दाई कहिण लगी भी मैं जदों बालक दा अवतार होया मैं वेख्या बड़ी गौर नाल आ, पर सारे कमरे के अंदर इन्ना प्रकाश सी कि मैनू कुछ नज़र ही नहीं आया है। नंबर दो, दुनिया का जिहड़ा भी बच्चा जन्म लैंदा है ते ओह जन्म लैंदिया सार रोंदा उच्ची उच्ची, पर इहदे मुख चों मैं रोण की आवाज़ नहीं सुनी है। नंबर तीन, दुनिया के हर बच्चे का जो जन्म हुंदा उहदियां अखां जिहड़ियां ओह, क्योंकि असी सारे जेर चों पैदा होए हैं, तो
मल पुत्र का प्रभाव होने करके अखा जिहड़ियां पहले दिन कदाचित नहीं खुल सकदी। पशु जदों बच्चे जन्म लैंदे आ पशुआं दे तुसीं आप उन्हां दे नासां चों मूँह चों जाला कढ़दे आ तो कहन लगे भई जदों इस बालक का जन्म होया ते इहदियां अखां खुल्लियां सन इहदे नेत्र बंद नहीं है हुण वी जाके वेख लो इहदे नेत्र खुले जे। अज तक किसी बालक के मैं नेत्र खुले नहीं वेखे जन्म वेले तो क्यों खुले ने गुरु नानक साहब ने आप दसिया जपजी साहब के अंदर कर कर वेखा नगर निहाल वो नानक निरंकारी है वह अखा बंद करके बह गया तो दुनिया का की बनेगा। वो लोक विच भी वेख रहा तो परलोक विच भी वेख रहा कर कर देखा नगर निहाल वो नगर सवलियां नगर का मालिक है तो जिन्हू वेखदा निहाल कर दिंदा वो वेंदा ही ता है कि मैं इन्हू निहाल कर दिया नानक नदरी नदर निहाल रब वेंदा ही निहाल करने वास्ते भी रब होर किसी वास्ते नहीं वेंदा क्योंकि निरवैर है निरभाव आ तो निहालता का साध रहा। तो अगली गल उन्हें आखी कह लगी जिन्हें बच्चे जन्म लेंदे ने मैं वेनी हाँ बच्चों दी मुठियां बंद होंदियां ने बच्चे दे दो दो तीन तीन महीने तक मुठियां नहीं खोलते बई। कह लगी इस बालक दे मैता कल्याण चंद दे पुत्र दे दोवें हाथ जिहड़े ने खुले सन हुण इह तां साफ सारे हर एक बंदे नूं पता खुले हाथ किहनूं कहिंदा हाँ ना। बीबियां कई पेकियां दे घरों आउंदियां चंगे सर दे पुजदे घर चों तो आउंदियां सारी ना हर चीज़ बणाउंदियां तो खुली बनती है भाव वधदी जांदी रोटियां वध जांदियां सब्जी भाजी वध जांदी है तो कई माइया लड़न दया होंगे कुड़िए तू तो घर छेती उजाड़ेगी माता कदे नहीं उजाड़ती मैंने डरिया करो जिदे हथा विच बरकत होगी वह हाथ ही खुला चलता है जिदे हाथ च बरकत ना आवे वह कदे खुले हाथ नहीं कुछ बरतता है। रब हथा विच बरकत पाता है पुत्रां दे भी पा दिया धियां दे भी पा दिया कई बार जवाइया के हथा च बरकत पा दिया कई बार नूह राणिया के हथा च बरकत पा दिता पर सेवा जरूर करया करो हथा नाल जे बरकत पानी है वरना जे सेवा ना कीती दोवें हाथ जोड़ के अपने औगण ना चितारे गुरु कोलों दातां ना मंगियां नाम बाणी दियां फिर इन्हां हाथों में बरकत नहीं रहिंदी। दौलतां दाई कहन लगी कि इहदे हाथ खुले सन तो इशारा सी दुनिया के लोग की जानन भी ये खुले हथां वाला नहीं तो तेरा तेरा तोलणियां दे इन्हें गिणती मिणती नहीं करनी बारह तेरह नहीं है चौदह वो गिणती नहीं तेरा तेरा भाव समर्पित करना भी सब कुछ वाहगुरु तेरा ही है जे गुड़ का छाबा भर के पाता है भी तेरा है जे आटे का भर के छाबा पाता है भी तेरा है तेरह गिनती दे नहीं भी तेरह तेरह किलो तोलिया नहीं नहीं तेरा तेरा कही गए भर भर के ते छाबे पाए आ नानक नामदारी चार गल्लां जो दसियां ते फिर पंडित रदयाल जीआं ने मन की पत्री वाचनी सुखी हूँ सुख सार ते उन्हें फिर जन्म पत्री बनाती गुरु नानक देव महाराज जी सारियां गल्लां सुन के ना पहली गल उन्हें लिखी कह लगे मैता जी तुहाडा पुत्र दा प्रताप बड़ा होएगा दुनिया दे उत्ते तुहाडा पुत्र प्रतापी है। नंबर दो ते इहदा एक अपना पंथ चलेगा जिन्हों आपने मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया आ खालसा पंथ नानक निरंकारी का साजिया होया तो इस पंथ दियां बड़िया खामियां बड़िया खूबियां ने गिणिया नहीं जा सकदियां तेरे पुत्र का एक पंथ चलेगा। तो तीजी गल कई कहन लगे राजे महाराजे तेरे पुत्र की छानी भरिया करनगे आने भोग पिया ना तुहाडा जदों मैं फोन ते सिंह नूं पुछ रहा सी बाणी दा पाठ जिहड़ा चलदा पिया बाणी जदों प्रकाश हुंदी अखंड पाठ साहिब प्रकाश हुंदा उदों बाणी प्यार नाल बैठ के सुनिया करो आ जदों मैं कथा करन लगा सज्जणी सारे तीन सन जिहड़े मेरे नाल आए सन जां दो चार बजुर्ग बैठे सन तुहाडे तुसीं ध्यान ना आए जी बाद विच किन्नी धुंद पई आ जी तुहानूं पता दिड़बा शहर इतों किन्नी दूर है किलोमीटर गिण लो उतों आया मैं तुहाडे कोल चल के ते तुसीं घरों नहीं आए इत्थे टाइम सिर नाले प्रबंधकां ने विचारे ने महीना हो गया इन्ना इंतजाम किया
ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕੀ ਕਰਨ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣਾ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆਏ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨਗਰ ਹੋਏਗਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ 1400 ਵੋਟ ਆ 800 ਵੋਟ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 250 ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਗਤ ਦੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖ ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ 'ਤੇ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛਬੀਰ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਰ ਹੋਵੇ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦਾ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਡੇਟਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਦੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਕਦੇ 28 ਦਸੰਬਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਅੱਧੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਰਦੇ ਰੌਲਾ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਦੋ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਹੈ ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਥੂਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸੇਬਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਐਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨੀਂਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਆ ਸੂਖਮ ਸਰੀਰ ਉਹ 'ਚ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕਿੱਥੇ ਆ ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਆ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਜਾਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਪੰਡਿਤ ਰਧਿਆਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੰਥ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਵਾਜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨੀ ਭਰਿਆ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਖੰਡਪੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਪ ਸਵੇਰੇ ਸੁਣੇ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 6 ਤੋਂ 8 ਵਾਲੀ ਰੌਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਈਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆਨੀ ਸਿੰਘ ਜਾਣਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਿਮਿੱਤ 10 ਸਵਈਏ ਲਿਖੇ ਆ ਬਸ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਯੋਗ ਜਨਮਾਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਮਹੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਨ ਪਾਓ ਰਾਜਾ ਹੈ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦਸਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਅਤੇ ਤਰਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਿੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਲਾ ਦੀਪ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਦੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਾਜਾ ਸ਼ਿਵ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸੰਘਾਸਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਹੋ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਗੜ੍ਹ ਬਗਦਾਦ ਨਿਵਾਇਕ ਹੈ ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਸਭ ਨਿਵਾਇਆ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਚਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕੋਈ ਪੁੱਛ 3 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਣ ਗਾਇਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ 3 ਨੰਬਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਗਦਾਦ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਣ 'ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨੇ ਅਤੇ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਗੋਡਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਤੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਤਾਂ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਤਾਂ ਛੱਡਿਆ ਕਦੋਂ ਦਾ
ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਵਾਬ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਦਿਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸਾ ਰੱਬ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਬਿਠਾਲਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਦਿੰਦਾ, ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਖਤਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ, ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਾ ਸਗਾਲੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਯੋਗ, ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਜ ਵੀ ਭੋਗਿਆ ਅਤੇ ਯੋਗ ਵੀ ਕਮਾਇਆ। ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੱਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬੜਾ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸਿਜਦੇ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਪੰਥ ਚੱਲੇਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਆ ਝੁੱਲਦਾ ਪਿਆ ਛਤਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹੋਣਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣ ਤਖਤਾਂ ਉੱਤੇ, ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਪਦੇ ਹੋਣ ਰਾਮਸਰ ਆਪਸਟ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਤੇ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾਂ, ਝੁੱਲੇ ਸੋ ਛੱਤ ਨਿਰੰਜਣੀ ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਗੁਰ ਹੱਟੀਏ, ਸਹਿਜ ਚੰਦੋਆ ਤਾਣੇ ਨਾਨਕ ਹੰਦਾ ਛਤਰ ਸਿਰ ਉਮਤ ਖੈਰਾਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਛਤਰ ਝੁੱਲੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਪਹਾੜ ਰਾਹ ਦੇਣਗੇ, ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਪੱਕੇ ਹੋਣ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚਾਰ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਈਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿੱਧਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੂੰਹ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਗੋਂ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਵੇਖੀ ਉਹ ਕੌਡਾ ਰਾਕਸ਼ ਬੈਠਾ, ਸਿੱਧੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸੇਧ ਨੂੰ ਉਤਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਨੀਵੀਂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ। ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਤੂੰ ਲੰਬੇ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰੇ, ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹਮਜਾ ਗਾਂਸ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਉਤਰੇ। ਇਹ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸੀ। ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੇਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਛੱਠੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪੰਚਮੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਜਾਂ ਦਸਵੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮੱਸਿਆ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਠੋਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਨੌਵੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਛੱਠੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵ ਜਿੱਧਰ ਪੰਚਮੀ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਠੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ। ਛੱਠੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ, ਛੱਠੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਤੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਵੀ ਰਾਜ ਭਾਈ ਗਿਆਨੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਗ ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਅੰਦਰ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਦੋ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੋਕ ਮੰਗਲੀਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੇਸਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਘਿਓ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਭਰ ਲਿਆਇਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦਾ ਭਾਂਡਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕਰ ਲਿਆਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਵੋ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੇ ਗਲ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਕੰਬਲੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਦਿਕ ਰੇਸ਼ਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭੇਟਾ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜੀ ਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਤੋ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ ਰਾਏ ਭੋਏ ਦੀ ਤਲਵੰਡੀ ਅੰਦਰ, ਵੀ ਮਹਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਰੱਬੀ ਰੂਹ ਆ। ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਮੜ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਤੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਸਦਕਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ, ਦੋ ਦਿਨ, ਚਾਰ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਦੀ ਭੈਣ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ, ਬੀਬੀ ਲੱਖੋ ਆਈ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭਣੇਵੇਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਵੇਖਣ, ਅਤੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੇ 54 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਆ ਅਤੇ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਵੇਂਦੇ ਆ ਉਹ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਲੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਝੋਲੀ ਫੜੀ ਆ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾਂ ਬਸਤਾਂ ਪਾਈਆਂ,
ते दूजे हाथ नाल अपने हाणियां नूं वाजां पै मारदे आ जाओ। तो हाण प्रवान दे जिहड़े बच्चे सन उह नाल जांदे पै आ, भज्जे जांदे आ घरों। जिहड़ी चीज़ घरों लिजांदे आ उह किसी गरीब नूं दे के फिर आ जांदे, फिर घरों कुछ खाण वाला पदार्थ लै जांदे, आप खा लैंदे, हाणियां नाल वंड के खा लैंदे आ। तो इस तरह करदिआं करदिआं मासी लखो ने वेख्या ना ते आंदी तृप्ता पुत्र ते तू जम्मिया बड़ा सोहना, पर मैनू लगता भी इन्हें तेरे घर की शह नहीं कोई रहन देनी। जिहड़े हत्थे जिहड़े कमी ये लगा ना भी जदों की मैं आई हाँ मैं वेहनी पी हाँ आंदा झोली भर के लै जाता, आंदा झोली भर के लै जाता, इस तरीके तेरे घर च कोई शह नहीं रहन देनी। वो इन्ने बचन जदों मासी लखो ने कहे ते गुरु नानक देव महाराज बोलते हैं छोटी अवस्था दे विच, कहन लगे माता तू मैनू कमला कह रही है भी तृप्ता तेरा पुत्र कमला रमला ही इन्हें घर की कोई शह नहीं रहन देनी। मैनू कमला रमला कह रही जिहड़ा तेरे घर जमना मेरे तो भी चार गुणा वध कमला हो गया, इहो जिहा कमल कुटिया करेगा। तो बचन कर दिते सुते सिद्ध। मासी लखो दे घर समा पा के फिर पुत्र पैदा होया, उहदा नां रख्या गया बाबा राम थम्मण जी। गुरदासपुर के अंदर उमा पुरखों का स्थान आ, मैं उस स्थान के उत्ते एक हफ्ता कथा करके आया गुरु नानक देव महाराज के मसेर दी अस्थान, जिहड़ा मसेर मासी के पुत भरा बाबा राम थम्मण जी, उत्थे महापुरख बाबा लखा सिंह जी दमदमी टकसाल के महापुरख ने, तो उन्हां कोल महाजी भर के आए। तो वो बाबा राम थम्मण जी इन्ने दीवाने मस्ताने होए कि वह अपनिया ने चीज़ा वंडिए वंडिया। जे किसी गृहस्थी ने कहना ना कि महापुरखो साढ़े घर चरण पाओ, तो उन्हें आखना भी असी तेरे घर चरण पाण गए तो तेरा कोई ना कोई नुकसान हो जाना। तो गृहस्थियों नूं पता हुंदा सी भी साधु नुकसान नहीं करता, साधु दे पैरां दी धूड़ी बरकत वाली होंदी। तो उन्हें गृहस्थियों ने कहना करना जी सानू जिन्ना नुकसान होगा असी खिड़े मत्थे चलांगे, पर तुसीं चरण पाओ, चरण पाण जाना। उस घर विच्चों जिहड़ी चंगी शह वेखणी ना लोड़वंद जोगी किसी जोगी भी इन्हां कोल इन्नी कु है इन्हां दा सर सकदा, जिहड़ी अगली चीज़ वेखणी वह बंदिआं नूं आवाज़ मारनी लोड़वंदां नूं भी आओ। लोड़वंदां ने आउणा वह चीज़ां चुका देणियां अगले घर दीआं, बई अपणियां ते दे ही दित्तियां लोकां दीआं वी चुका दीआं जिहदे घर जाणा। तो बचन साना मारदे मेरे तो भी चार गुणा वध तेरा पुत्र कमला रमला पाउणा। तो बाबा राम थम्मण जी काफ़ी समा फिर इत्थे पंजाब की धरती वरते रहे, तो आखिर कसूर चले गए। कसूर जाके उन्होंने फिर अपने स्थान के उत्ते लम्मा समा बंदगी की। अज भी कसूर के अंदर विसाखी वाले दिन बाबा राम थम्मण जी का जोड़ मेला बनता है पाकिस्तान की तरफ। गुरु नानक देव महाराज के मासी के पुत भरा ना, तो यह गुरु नानक देव महाराज दियां वडियाईयां समा पा के ना जदों 9 साल की उम्र हो गई ना तो गुरु नानक देव महाराज जी नूं धर्मी बनाउण लगे। तो पंडित दयाल जिया ने एक साल पहला जिदन 8 साल की उम्र हुई उदन मैता कल्याण चंद बेदी नूं आख्या, कहन लगे भी अगले साल तेरे पुत्र नूं जनेऊ पहनना, 9 साल का पूरा हो जाना, तो तू अपने भैन भरावान नूं वक्त सिर सुनेहा ला ले, क्योंकि उदों बंदे पैदल सुनेहा लगता हुंदा सी। टावे टावे कोल घोड़ी आदत बोते की सवारी करके कितें पहुँचया जांदा सी। तो कह लगा जी 7 बचनिया मैं आउंदे साल अपने पुत्र नूं धर्मी बनावांगा। बड़ा चा मुलार होण लगा भी अगले साल नानक ने धर्मी होना, इन्हें जनेऊ पहनना। दिन गुजरते गए, समा आ गया नेड़े, 3-4 दिन रहिंदे ने रीत होण दे विच, ते सारे रिश्तेदार भैण भरा आउण लग पए, ते पंडित दयाल जी भी आए। वेहड़े दे विचकार एक टोआ पुट्टिओ ने, इक्को जिन्ना चौड़ा इक्को जिन्ना लम्मा, चारे खूंजियां दा पूरा चौड़ा पुट्टिआ, जिन्ना चौड़ा पट्टिआ उन्ना ही लम्मा उन्ना ही डूंघा टोआ पट्टिआ, ते उहदे विच अग बाल दित्ती गई। अग बाली गई ते नाल 4 चपेरे पोचा फेरिआ गया। ते अगले दिन पंडित दयाल जी ने जनेऊ पहनने वास्ते ना अगला दिन चढ़िया, ते सूरज चढ़द्या सारी पंडित दयाल जी ने आ
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਲਾਇਆ ਸੀ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਖੋਹ ਲਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਣ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰਾ ਮਰਵਾ ਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੋਹਾ ਤੱਤਾ ਉਹ ਲੰਘਦੇ ਨੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਸੱਟ ਮਾਰਾਂਗੇ ਮੇਲ ਮੰਡਲ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਚਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੰਦ ਤਰੀਖੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਮਗਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਹ ਵਿਆਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਖਾਣੀ ਕਈਆਂ 'ਤੇ ਵਿਆਹ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਚਾਅ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਤ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਰਾਤ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵਿਆਹ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਦੋਂ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜਾਂ ਵੇਲੇ ਸੱਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੂਫੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਕਈ ਤਾਂ ਰੱਜੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੂੜੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਰਾ ਬਗਾਨੇ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਬਗਾਨੇ 'ਤੇ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਣ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਅਰਥ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਆ ਘਰੋਂ ਨੱਚਦੇ ਆਉਣਗੇ ਢੋਲ ਉੱਤਿਆ ਮਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਆਖੀ ਨਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਤੇ ਮਣ ਕਰੇ ਕੋਈ ਬੋਲੇ ਨਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਢੋਲ 'ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨੱਚਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿੱਦ ਵੀ ਹੋਰ ਕੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਲਾ ਲਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਧਰ ਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੋਟਰ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਗੋਂ ਨਾ ਲੰਘੋ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਭਾਗੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆਉਣਾ ਹੋ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਮੈਂ ਤੱਕੀ ਤੋ ਸਰਣਾਏ ਜੀਓ ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਆਪਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬੇਦਬੀ ਕਰਨੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੋਗਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਬੱਕਰਾ ਰਿੰਨਿਆ ਗਿਆ ਮਾਸ ਮਿੱਟੀ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰਾ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬੜੇ ਉੱਬੜ ਉੱਬੜ ਪੈਣ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਸ ਬਣਨਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਧਾ ਜਦੋਂ ਰਸਮ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਟੋਆ ਪੱਟਿਆ ਜੀ ਚੱਕ ਬਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਾ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਤਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕੰਡ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਕੁਛਾ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਦਮ ਵਿਛਾਈ ਗਈ ਥੱਲੇ ਅਤੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਚਾਰ ਛਪੇਰੇ ਰਲ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਵੀ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਕੰਮ ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਤਿਆਰ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਵੱਟਿਆ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਨਾ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਮਹਿਤਾ ਕਲਿਆਣ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਆ ਭੈਣ ਨਾਨਕੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠੀ ਆ ਚਾਚਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਬੇਦੀ ਵੀ ਲਾਗੇ ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਸੀ ਨਾਨਕੇ ਦਾਦਕੇ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਗੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਰ ਦਰਾਸ ਵਾਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀਆਂ ਨੇ ਜਨੇਊ ਵੱਟ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨੇਊ ਦੋਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਨਾ ਗਲ 'ਚ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਲਈਆਂ ਦੋਵੇਂ ਬਾਹਾਂ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣੀ ਵੇਲੇ ਕੁੜਮ ਦਾ ਹਾਰ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਪਾਉਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਜੇ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਪਾਏ ਨਾ ਤਾਂ ਉੱਜ ਲੜ ਪੈਂਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿੱਦਣ ਮਿਲਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕੁੜਮ ਕੁੜਮ ਤੋਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪਾਏਗਾ ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਅਗਲਾ ਮਿਲਣੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਵੀ ਲੜਾਈ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨੇ ਤੋ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਗੁੱਟ ਫੜ ਲਏ ਪੰਡਿਤ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਦੋਂ ਲੋਹਾ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਲਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਸੱਟ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਏਡਾ ਜੋੜ ਜਾਮਾ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣਾ
तो गुरु नानक देव महाराज ने उत्थे श्लोक उच्चारण किया। श्लोक महला पहला, दया कपा संतोख सूत जत गंढी सत वट ए जनेऊ जी का है ता पांडे घत, ना यो टुटै ना मल लगे ना यो जलै ना जाए, धन सो मानस नानका जोगल चलै पाए। चौपड़ मोलिया नाया बह चौके पाइया, सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया, ओ बुआ ओ झड़ पिया वे तगा गया। गुरु नानक देव महाराज कहन लगे, पंडित जी मैं जनेऊ पाउण तो नकारी नहीं, पर जिहड़ा जनेऊ मैनू चाहीदा ओ पाओ जे आएगा। कह लगे ते जनेऊ च वितकरा, वितकरा की हुंदा सी, ब्राह्मण की करदा सी, भी जदों ब्राह्मण दे घर पुत्र पैदा हुंदा सी तां उहदे जनेऊ पाउण दी उम्र सी 7 साल दी। ब्राह्मण अपने पुत्र नूं पहला धर्मी बनाउंदा सी छेती, 7 साल की उम्र च बनाउंदा सी अपने पुत्र नूं धर्मी। ते खत्री दे पुत्र नूं 9 सालां दा जदों हुंदा सी 2 साल लेट बनाउंदा सी धर्मी। 2 सालां दी भावें कुछ भी हो सकदा। ते ब्राह्मण खत्री ते वैश दे पुत्र नूं 11 साल की उम्र च जनेऊ पाउंदा सी, ते शूद्र विचारा चाहे 51 सालां दा हो जाए चाहे 101 साल दा, नूं पाउंदा ही नहीं सी। भी तेनू जनेऊ की लोड़ ही है नहीं। तो वेख लो गुरु नानक साहब ने कृपा की, जिहड़ा ब्राह्मण शूद्र नूं जनेऊ नहीं सी पाउंदा, तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई जैते रंगरेटे गुरु के बेटे को अमृत छका के रणजीत नगारे के दोवें डगे हाथ च फड़ाते हैं। बई तू नगारे से चोटा लाए करेगा तो मैदान लगे करेगा, नहीं तो मैदान नहीं लगे करेगा। एडा माण दिता जिन्हों ब्राह्मण धर्मी नहीं सी बनाउंदा, उन्हों गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या तू इन्हां हथां नाल गुरु तेग बहादुर साहब का सीस लिया छाती नाल ला के, ते गुरु इन्हां हथां नाल हुण नगारे ते चोटा लाया करेगा, तेनूं धर्मी बनाता, तेरे तो बिना धर्म युद्ध की शुरुआत नहीं होया करेगी। ये गुरु नानक साहब की वीडियो। ब्राह्मण के घर जो पुत्र पैदा होंदा सी 7 साल की उम्र होंदी सी, बसंत रुत्त च जनेऊ पाउंदा सी, ते खत्री नूं पाउंदा सी चमासे की रुत्त गर्मी की रुत्त च, ते वैश नूं पाउंदा सी पतझड़ रुत्त दे विच जिहड़ा अजकल समा चलदा पिया, फरीदा रुत्त फिरी वण कंबिया पतझड़े चढ़ पाए। शूद्र नूं बेचारे नूं सारा साल कोई मर्जी रुत्त आवे आवे ना आवे जनेऊ पाउंदा ही नहीं सी। फिर ब्राह्मण एक होर वितकरा करता सी, अपने पुत्र नूं पाउंदा सी रेशम का जनेऊ सूत का सॉफ्ट जिहा कोमल जिहा, ते उस तों बाद खत्री की वारी आउंदी खत्री नूं उन्न का जनेऊ पाउंदा सी, ते वैश दे गल दे विच जिहड़ा वो वाण का वट के जनेऊ पाया जांदा मुंज का, मुंजी ते मंजी ते सुत्या जी ते पिंडा छिलिया जाता, तो जो गल च मैं वो जनेऊ पाया हो तो की हाल हो। तो शूद्र बेचारा रोंदा सी, मैंने मेरे गल कोई मुंजदा ही पा दे, पा दे धर्मी ते बना दे तू गुरु मैं करम दा, पाउंदा नहीं सी। ब्राह्मण अपने पुत्र नूं पाउंदा सी तेहरे पायन तग, 3 तागियां का जनेऊ पाउंदा सी, खत्री नूं 2 तागियां का जनेऊ पाउंदा सी, वैश नूं 1 तागे का जनेऊ पाउंदा सी। गुरु नानक देव महाराज कहण लगे जे जनेऊ मैनूं पाउणा पहलां अपने वर्गा पा, 3 तागियां वाला पा, ते दया कपा, कपा दा भाव सूद दा वट के जनेऊ पा, ते नाले तूं मैनूं पाउण लग्गा चमासे दी रुत्त विच मैनूं बसंत रुत्त च जनेऊ पाई जिवें अपने पुत्र नूं पाया। तू गुरु हो के वितकरा करना है, जे गुरु ही वितकरा करेगा तो दूजिया का की हाल होना। तो जो इन गल्लां कीतियां पंडित दे पैरां फिर जमीन निकल गई, इहदियां जन्म पत्रिका बनाई सी, मैं तो आख्या प्रतापी हो गया, तो प्रताप का तो अज पता लगा भी की प्रताप ने की रंग ने। तो गुरु नानक साहब ने जनेऊ नहीं पाया है। उस दिन बाबे नानक ने वह जनेऊ जिहड़ा चुक के उस बलदी अग च सुटिया, तो सिखी वक्री हो गई उस दिन तो, मारिया सिक्का जगत विच नानक निर्मल पंथ चलाया। ये सिखी का बूटा गुरु नानक देव महाराज ने अपने वेहड़े के विचकार
इको जिन्ना पुटिया होया टोया उन्ना ही चौड़ा उन्ना ही लम्मा उन्ना ही डूंगा। तो बल्दी अग में सिखी का बूटा लाया इन्हू दुनिया की अग नहीं सार सकती है, चाहे 84 की होवे चाहे 47 की होवे ते चाहे वक्त की होवे, कोई अग इन सिखी के बूटे सार नहीं सकती। जिदी जाड़ी महाराज ने एक दिन अग पहला बली सी अग के बिच बूटा लाया तो डर ही मुकाता ना भी इन सिखी नू कोई साड़ देगा सिखी नू कोई मार देगा। सिख तो उदों नहीं मरे जदों जंगलों च लुक छिप के रेंदे सी, हुण तो सुख ना 72 मुल्कां च सिखां दा अपना राज अपनी राजधानी अपनी जायदाद अपना कारोबार है, हुण नहीं सिख मरदे। हुण तो इन्होंने सारे वर्ल्ड दे उत्ते राज करना, उह समां नेड़े आ रहा है। जिवें तुसीं घर दे जीआं विचों कईआं नूं लंबड़दारी देंदे हो ना, पहला एक मुंडे नंबर दा दित्ती तो 4 साल वेख्या भी कितनी वधिया करता, उत्तों नहीं पूरी तो नहीं फिर दूजे को देने फिर तीजे को। एवें रबा दूजिया ना पहला सिखा वेले पहला अफगानिया आख्या जा जोर लाना तुसी ला लो, फिर डोगरिया राजा रणजीत सिंह दे वेले दिता समा भी जिहड़ा जोर तुहाडे तो लगता तुसी भी ला लो सिखी नूं मुकाउण वाला, फिर गोरिया समा दिता भी तुसी सिखी मुकदी मुका लो। गोरिया तो बाद वारी आ गई फिर अपने की, तो दिल्ली वाले आवाज भाग देता भी तुम जो जोर लगता ला लो गंगू की रात को देती राजधानी, तो उन्होंने भी जोर लाया 1984 कोई कसर नहीं छी, तो सिखी उदों भी नहीं मोई। आ एक हूँ रेंदे सन आडे आने वाले कारपोरेट घराने ज, हूँ इन्हों समा दिता भी तुम भी अपने घोड़े जोड़े भजाने भजा लो, वो घोड़े हद तक तो भजा के आ गए, उनका कोई वाह नहीं चलिया तो चलना उनका अगे भी कोई नहीं। आखो सतनाम श्री तुहानू दुनिया की कोई ताकत मार नहीं सकती, पर तुसी अपने स्टैंड ते खड़ो जाओ, तुसी अपने गुरु ग्रंथ साहब महाराज नाल जुड़ जाओ, तुहानू कोई दुनिया का दुख दुखी नहीं कर सकता। तुसी बाणे बाणी के धारनी हो जाओ, दुनिया की कोई मुसीबत तुहानू कमजोर नहीं कर सकती है। जदों आपां बाणी बाणी नाल टुट जाने परमेश्वर का आसरा छड़ दिंदे आ उदों ही दुख लगदे ने, उदों ही मुसीबतां आउंदियां ने, उदों ही औखियां घड़ियां आउंदियां ने, वरना ते मारे जांदे आ औखी घड़ी ना देखण दे अपना दिल समझ। धन गुरु नानक देव महाराज दे सिखो अमाइयां नूं बेनती है ना ते जठेरिया ते जाया करो, ना किते नहीं जाणा जे तुहानूं, क्योंकि तुहाडे कोल इक कारगुजारी है रसोई दी, तुहाडे पते की गल मैं तुहाडे कोल दुबारा शायद आवां कि ना आवां, नदी ना उस योगी में, क्योंकि पसारा वड्डा आ, ये तो आ नीरू वीर का कोई हुक्म हो गया तुहाडे नाल दा सहचार दा ज्ञानी जरूर जाना करा मैं भी, चलो ठीक है आ पुरथवैल सिंह आए आ, तो मैं बेनती कर लगा नदी नाल संयोगी मेले तुसी रहनियां घर घर विच रसोई तुहाडे हाथ च आ, ये तो बाहरों कमा के लियाउण वाले ने जिवें मर्जी कमा के लियाउण राती कमाण दिने कमाण, रसोई तुहाडे कोल आ ते रसोई विच जिन्ना रिजक हुंदा उहनूं रिद्धि आख्या जांदा, तुहाडे कोल रिद्धि है ते इन्हां कोल सिद्धि है, सिद्धि कहा जांदा करामात माया, बंदे दे बोझे च हर वेले माया हुंदी है, तुहाडे हाथ विच रिजक हुंदा हर वेले, रोटी तुसां पकाउणी है खवाउणी है ते तुहाडे हाथ विच रिद्धि सिद्धि है, तां ही तुहाडा रिद्धा पक्का रोज़ वधदा, चाहे आटे का पेड़ा वधे चाहे सब्जी वधे जो भी चीज़ वधदी उह रिद्धि करके वधदी। ते तुसी दो जी घर दे मालक हो, एक सरदार ते एक सरदारनी, दोवें रोज़ आया करो, एक सज्जे पासे बह जाया करो, खब्बे पासे बह जाया करो, महाराज के सज्जे खब्बे रिद्धि सिद्धि वरतदी है, तो दोवें जने आया करो, दोवें जने तुसी अपना समान जिहड़ी लोड़ आ लै जाया करो, ये अपना लै जाण करनगे, तो फिर तुसां कहना भी असीं इत्थे आईए तो इत्थों ते कला कड़ाह प्रसाद का गफा ही मिलता, वो कड़ाह प्रसाद का गफा ही बरकतां वाला है, उहदे विच ही सब कुछ है। गुरप्रसाद भरम का नास, गुरप्रसादी जाने आ। तो दूजी गल आ कि गुरु नानक साहब के सिख हो, जे तुसा चाहनी हो ना तुसी भी कि साड़ी रसोई च रिजक का तोटा ना आवे, वैसे तोड़ा तो नहीं हुंदा, तुहाडी मूंगी नूं टोड़ा लगा हुंदा, तुहाडी सूजी दे विच जीभ पए हुंदे आ, मगरों 6-6 महीने पुराना समान पिया दा कमी कोई नहीं आया, तो फिर भी जे कितें कई रार घर च गरीबी होवे तां जीवन दे विच अज बाबे नानक का प्रकाश दिहाड़ा, गल अपने दुपट्टे दे पल्ले नाल बन लिओ,
सीधे इतों जाना, सीधा सुल्तानपुर की धरती जाना। सरदार जी नूं नाल लै जिओ, बच्चों नाल लै जिओ। भी है गुरु नानक देव महाराज, घर च गरीबी आ गई, घर च पदार्थ का तोड़ा है, तो महाराज कृपा करो, आ दो छाबे भर के पाओ, हा तकड़ी दे जिहड़े उदों तुसां पाए सन तेरा तेरा तोड़। जाओ एक बार तुसी भावना बना के वग जाओ, जे रही दुनिया तक परिवारां चों रिजक मुक जाए तो मैनू नीवें थां बिठा लिओ, मैं तुहाडा देणदार होवांगा। एक अरदास जरूर करके जाए, तो तुहानूं बेनती है दौलत वालियां नूं, करामात वालियां नूं, तुसा हजूर साहब जाना गोदावरी के कंडे गुरद्वारा संगत सर, जिथे कलगीधर पातशाह ने सिखा ढाला भर भर के दो दो ढाला सोने दिया मोहर दिया भर भर के पाई। फर्क कोई नहीं, बेई नदी के कंडे बाबा नानक तकड़ी दे पलड़े भर भर के पा रहा, त्यादा तेरा तेरा तेरा। ते उधर गोदावरी के कंडे मेरा बाजा वाला बैठा, वो दो दो ढाला जिहड़ियां भर भर के पा रहा, ढाल ते तकड़ी दोवें कठियां करके सामने रख के वेखियो, दोवें ही अंदरों टेपर हुंदियां आ, ते दोवां दे विच इक्को जिहना ही साजो समान पैंदा। फर्क इन्ना कोई, एक सुल्तानपुर भर के छाबे पै रहे ने, ते एक हजूर साहब पै रहे ने। एक बीबिया नूं बेनती है कि तुसी रिजक लैना तां सुल्तानपुर छाबे भर के पवा लियो। जे दुनिया ते रहिंदिआं दौलत की कमी है ना, तां बाजां वाले नूं आखो, बाजां वाले 9 करोड़ जांदा सरसा नदी च रोड़ गया सै, उदों ते नहीं सी दित्ती, हुण जा के तूं हजूर साहब की धरती ते संगत सर माल टेकड़ी का गुप्त खजाना भर के वंडिआ, या दो छाबे दो ढाला भर के मेरे पले भी पा दे, मेरिया भी गरीबियां चुकिया जा। तो गुरु नानक देव महाराज के दर की सेवा करनी, संगत करनी है, सिमरन करना, ताकि गुरु नानक साहब की रहमत वाडे ते बनी रहे। सारिया संगतां का धन्यवाद, प्रबंधकों का धन्यवाद, गुरु साहब का लख लख वार धन्यवाद, जिन्हां ने साडा तुहाडा सहयोग बनाया। विचार करदे आं बेंत प्रकार दीआं भुल्लां जिहड़ियां सुभाविक ने होईआं, भुल्लां दी खिमा बख्शनी जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।